साजिश की तरफ भारतीय जनता पार्टी की नीत और जदयू की नीत है कि आरक्षण को छेड़छाड़ करके इस देश में, इस राज्य में गरीबों को जो सम्मान मिला उस सम्मान को समाप्त करने के, इसको पहले साबित करें तब आगे की बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं लाइव सीरीज। एक बार फिर से आरक्षण का मामला तुल पकड़ने लगा है। मामला यह है कि जदयू के एक नेता ट्वीट कर कहा है कि जिस व्यक्ति को आरक्षण का लाभ मिल चुका है अब उसे दोबारा नहीं मिलेगा। इस पे राजद के वरिष्ठ नेता रमई राम क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप सुने। साजिश की तरफ हम भारतीय जनता पार्टी की नीत और जदयू की नीत है कि आरक्षण को छेड़छाड़ करके इस देश में, इस राज्य में गरीबों को जो सम्मान मिला उस सम्मान को समाप्त करने के साजिश चल रही है। जो पढ़ता है लिखता है वही आगे बढ़ता है और जो पढ़ा लिखा नहीं है उसको आगे इसी आरक्षण दे कभी नहीं पढ़ पाएगा। पहले देखते थे हम, जब विधायक का मंत्री हुआ करते थे, कहता नोट अवेलेबल, मतलब पढ़ा लिखा अनुसूचित जाति जनजाति के लोग है ही नहीं। जब पढ़ने लिखने लगा तो अब चेंज करने के बदलने का साजिश चल रही है। यह सोची सब्जी राजनीति है और इस राज्य के गरीबों, स्वस्थों, दलितों, अनुसूचित जाति जनजाति इसको परेशान करने की पूरी तैयारी है। कि जो आरक्षण एक बार जो मिल गया उनको पागल कहेंगे। एक बाप का बेटा होगा तो दूसरा बाप का बेटा होगा तो पोता होगा कि नहीं, पर पोता होगा कि नहीं ये कौन कह दिया? डॉक्टर होगा कि नहीं, इंजीनियर बेटा होगा उसका बेटा होगा कि नहीं, जज होगा उसका बेटा जज होगा कि नहीं, इसको पहले साबित करें तब आगे की बात करेंगे। रमई राम ने स्पष्ट कहा कि अगर किसी में हिम्मत है तो इस आरक्षण को हटा कर देखा है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जो कोई व्यक्ति, चाहे वो डॉक्टर हो तो डॉक्टर के बेटा निश्चित नहीं कि डॉक्टर होगा, अगर प्रोफेसर है तो प्रोफेसर के बेटा प्रोफेसर नहीं, अगर नेता है तो नेता के बेटा नेता नहीं हो सकता। इसी तरह से आरक्षण एक जन्मसिद्ध अधिकार है और ये किसी भी हालत में ख़त्म नहीं होगा। उन्होंने मोदी सरकार और नीतीश सरकार को घेरते हुए स्पष्ट कहा कि अगर आप में हिम्मत है तो इस आरक्षण के मामले को संशोधन करके दिखाए, ये कदापि नहीं है कि इसमें आप संशोधन कर सकते हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि ये आरक्षण जब एक बार लागू हो गया तो इसमें संशोधन होने का कोई बात ही नहीं है। इसी को लेकर बिहार के जो मुखिया हैं नीतीश कुमार ने भी स्पष्ट कहा है कि इसमें संशोधन होने की कोई बात नहीं है, जो आरक्षण का मामला है इसमें संशोधन होने का कोई मामला नहीं है। अब देखना यह है कि मोदी सरकार इस पर क्या कुछ अपना प्रतिक्रिया देती है। बहरहाल, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबाएँ, साथ साथ हमारे फेसबुक को भी लाइक करें ताकि हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू हो सके। धन्यवाद।